गुड मॉर्निंग बच्चों, चलिए आज हम लोग SST का ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चों, पिछला जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने जो हिस्ट्री के सोर्स हैं यानी कि इतिहास के जो स्रोत हैं उनके बारे में जाना। आज हम लोग है ना आगे पढ़ेंगे न्यू वर्ल्ड। क्या पढ़ेंगे हम लोग आज? न्यू वर्ड्स। देखिए बच्चों, नई बातें हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। यहाँ पर दिया है इंस्क्रिप्शन। क्या दिया है? इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन में होता है बच्चों शिलालेख। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। राइटिंग इनग्रेव्ड ऑन रॉक्स पिलर एक्सेट्रा, है ना, पत्थरों पर खोदकर लिखी गई बातें। इंस्क्रिप्शन में होता है शिलालेख यानी कि पत्थरों पर लिखी गई बातें। आगे लिखा है राइटिंग इनग्रेव्ड ऑन रॉक पिलर एक्सेट्रा। ठीक है, यानी कि जो रॉक होते हैं यानी कि जो चट्टाने होती हैं, पिलर यानी कि जो खम्भे होते हैं, ठीक है, यानी कि पत्थरों के जो खम्भे होते हैं उनमें इंग्रेव्ड मीन्स होता है खोदकर लिखना या फिर उकेरना। ठीक है, तो इंस्क्रिप्शन मिस हो गया, पत्थरों पर खोदकर लिखी गई बातें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भोजपत्र। नेक्स्ट क्या है बच्चों? भोजपत्र। आगे देखते हैं भोजपत्र क्या होता है। बार्क ऑफ बिच ट्री, ठीक है, यानी कि ये क्या होता है, पेड़ का जो बिच ट्री होता है उसका छिलका होता है। ठीक है, बार्क होता है यानी कि छाल होता है। ठीक है, आगे देखते हैं यूज्ड एज राइटिंग मटेरियल बाई एंशियंट इंडियन, यानी कि जो भारतीय थे, है ना, यानी कि पुराने ज़माने के जो भारतीय थे वे क्या करते थे कि जो भोजपत्र है यानी कि जो बार्क है ना उस पर क्या करते थे, लिखते थे। ठीक है, तो ये भोजपत्र हो गया। चलिए आगे देखते हैं ताम्रपत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया है? ताम्रपत्र। ठीक है, ताम्रपत्र बच्चों नाम से स्पष्ट है, ताम्रपत्र कहने का मतलब है कि तांबे का कोई पत्र होगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है ताम्रपत्र के बारे में। राइटिंग इनग्रेव्ड ऑन मेटल प्लेट्स एक्सेट्रा, ठीक है, यानी कि जो धातु होता है तांबा, ठीक है, यानी कि तांबे के पत्रों पर खोदकर लिखी गई बातें, ठीक है, ताम्रपत्र कहलाती हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। बच्चों यहाँ पर देखिए ताम्रपत्र दिया गया है। ठीक है, ये रहा ताम्रपत्र। ठीक है, इस पर देखिए कुछ यहाँ पर, ठीक है, कुछ यहाँ पर लिखी गई हैं। ठीक है, तो ये ताम्रपत्र है जिसमें कुछ लिखा हुआ रहता है। ठीक है, उसमें अपनी बातों को उकेरा जाता है। तो इस तरीके से है ना जो हिस्ट्री के सोर्स हैं, ठीक है, यानी कि ये जो ताम्रपत्र है उससे हम लोगों को हिस्ट्री के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेवरल चिल्ड्रन आस्क्ड कैन वी सी द राइटिंग ऑफ एंशियंट टाइम। देखिए बच्चों, सेवरल चिल्ड्रन यानी कि कई बच्चे आस्क यानी कि कई बच्चे एक साथ पूछे टीचर से कि वी कैन सी द राइटिंग ऑफ एंशियंट टाइम, यानी कि क्या हम पुराने समय के लेख देख सकते हैं। ठीक है, टीचर एक्सप्लेन देम दैट ऑल दीज थिंग्स कैन बी सीन इन द म्यूजियम। ठीक है, तो टीचर्स ने उनसे कहा कि ये सभी जो चीज़ें हैं ना वो संग्रहालय में देखी जा सकती है। ठीक है बच्चों, म्यूजियम मीन्स होता है संग्रहालय। तो ये जो सारी जो सोर्स हैं, है ना, जो स्रोत हैं वो उसको हम लोग म्यूजियम में देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर एवरी वन टू रीड देम। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर बताया गया है कि ये जो लिखा गया है ना उस वो क्या है, इसको सभी लोग रीड नहीं कर सकते यानी कि सभी लोगों को है ना उसमें जो लिखा है उसको पढ़ना नहीं आता है, इसीलिए लिखा है दिस इज़ डिफ़िकल्ट फॉर एवरी वन टू रीड देम, यानी कि सभी को पढ़ने में है ना क्या होती है, मतलब कि डिफ़िकल्ट होती है यानी कि उसको पढ़ने में कठिनाई होती है। चलिए आगे देखते हैं। एज दोज आर रिटन आइदर इन पाली और प्राकृत लैंग्वेज। ठीक है बच्चों, यानी कि सभी लोगों को इसे पढ़ने में कठिन होता है क्योंकि यह, ठीक है, ये जो लिखा गया है ना वो किस में लिखा हुआ है, पाली, ठीक है, पाली में और जो प्राकृत भाषा है ना उसमें लिखे गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस लैंग्वेज आर नॉट इन यूज़। ठीक है,
इसका अर्थ यानी कि ये जो लैंग्वेज है ना, इसका यूज अब नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं। हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट लर्न टू रीड दिस राइटिंग एंड आर एबल टू टेल अस व्हाट वाज रिटन इन द इरा बाय रीडिंग देम। देखिए बच्चों, बताया जा रहा है कि हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट यानी कि जो इतिहासकार हैं और जो पुरातत्वविद है ना, वे पहले लर्न टू रीड दिस राइटिंग यानी कि पहले वो क्या सीखते हैं, उसको जो लिखा है उसको पढ़ना सीखते हैं, उसके बाद में आर एबल टू टेल अस व्हाट वाज रिटन इन द इरा बाय रीडिंग देम। ठीक है बच्चों, समझ में आया। यानी कि जो इतिहासकार होते हैं और जो पुरातत्वविद होते हैं वो इन लिपियों को पहले पढ़ना सीखते हैं, ठीक है, जिसके कारण है ना वे उस युग में क्या लिखा था पढ़कर हमें बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया। पहले इतिहासकार है ना उसे पढ़ना सीखते हैं, ठीक है, उस लिपि को पढ़ना सीखते हैं, उसके बाद वो हमें बताते हैं कि उसमें क्या लिखा है। चलिए आगे देखते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट मेनी चिल्ड्रन आस्क्ड यस द चिल्ड्रन कंटिन्यूड आर्कियोलॉजिस्ट इज अ पर्सन हु एक्सवेटेड एंड स्टडीज द मटेरियल्स रिमेन ऑफ द पास्ट। देखिए बच्चों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है बच्चों, देखिए इनको कॉमा में रखा गया है, मेनी चिल्ड्रन आस्क यानी कि जो बच्चे हैं है ना उन्होंने आर्कियोलॉजिस्ट कहा, ठीक है, तो जो टीचर से उसने कहा यस यस द टीचर कंटिन्यू, ठीक है, और जो टीचर हैं है ना उन्होंने कंटिन्यू बताया कि आर्कियोलॉजिस्ट इज अ पर्सन हु एक्सक्वेटेड एंड स्टडी द मटेरियल्स रिमेन ऑफ द पास्ट। ठीक है, टीचर ने कहना जारी रखा और उन्होंने बताया कि जो पुरातत्वविद होते हैं है ना, जो पुरानी जो चीज़ें होती हैं उनको खोदकर उनके बारे में है ना तथ्यों का पता लगाते हैं, ठीक है, उनको खोदकर उनके बारे में पता लगाते हैं। ठीक है, आगे देखिए। यू नो दैट इफ एनी थिंग्स इज कवर्ड विथ डस्ट एंड सैंड इट कैन नॉट बी सीन। बच्चों यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब खुदाई होता है, ठीक है, तो जब खुदाई होता है तो कई वस्तुएं है ना, हम जानते हैं कि कई वस्तुएं धूल व मिट्टी के तह जम जाने से हमें दिखाई नहीं देती। ठीक है बच्चों, है ना, हम जानते हैं कि क्या होता है जब कोई चीज़ें है ना ज़मीन के नीचे दबी होती हैं तो उसमें मिट्टी जम जाती है जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, तो उसी को यहाँ पर बताया गया है कि यू नो दैट है ना, आप जानते हैं कि इफ़ एनीथिंग इज कवर्ड विथ डस्ट एंड सैंड इट कैन नॉट बी सीन, यानी कि जब कोई वस्तु के ऊपर डस्ट या सैंड यानी कि धूल या रेत जम जाती है तो कैन नॉट बी सीन, उसको हम लोग देख नहीं सकते। आगे लिखा है, एट द टाइम ऑफ फ्लोड स्टॉर्म अर्थक्वेक एक्सेट्रा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस प्रकार जो फ्लोड हैं, ठीक है, यानी कि जो बाढ़ है, ठीक है, स्टॉर्म यानी कि जो आंधी होती हैं, अर्थक्वेक यानी कि जो भूकंप होते हैं एक्सेट्रा है ना, सिवरल हाउसेस सिटीज एंड अदर थिंग्स आर ब्यूराइड अंडर द अर्थ। ठीक है बच्चों, समझ में आया, यानी कि जब बाढ़ आता है, आंधी आता है, तूफान आता है ना, भूकंप आती हैं, तो सेवरल हाउसेस यानी कि जो कुछ भवन होती हैं, कुछ सिटीज़ जो होते हैं है ना, ये दूसरे जो चीज़ें होती हैं वो ब्यूराइड अंडर द अर्थ, वो ज़मीन के नीचे क्या हो जाती हैं, दब जाती हैं। ठीक है, ज़मीन के नीचे दब जाती हैं। चलिए आगे देखते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट सर्च एंड एक्सक्वेटेड सच प्लेस एंड टेल द वर्ल्ड अबाउट देम। ठीक है, तो जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, जो पुरातत्वविद होते हैं, वो उनकी खोज करते हैं, ठीक है, सर्च करते हैं, उनको एक्सक्वेटेड करते हैं यानी कि उनको खोद के बाहर निकालते हैं और फिर टेल द वर्ल्ड अबाउट देम, फिर दुनिया को इसके बारे में बताते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया, यानी कि जो
पुरातत्वविद होते हैं वो क्या करते हैं, पुरानी चीज़ों के बारे में खोज करते हैं, ठीक है, उनको खोद करके बाहर निकालते हैं, फिर उसके बारे में पूरी दुनिया को बताते हैं। चलिए आगे देखते हैं। द स्टडी ऑफ द रिमेन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल ऑफ दैट ईरा, ठीक है, यानी कि बताया जा रहा है कि इन ये जो पुराने अवशेष होते हैं, है ना, उसको स्टडी करके, है ना, यानी कि उसको स्टडी करके, यानी कि उसको अध्ययन करके हमें उस समय के लोगों के जो लाइफ स्टाइल था, यानी कि जो रहन सहन था, है ना, उसके बारे में पता चलता है। चलिए आगे देखते हैं। अंकिता आस्क्ड, यानी कि अंकिता ने पूछा, डू द ओल्ड हाउसेस मैंसन्स टेम्पल्स क्वाइंस एक्सेट्रा और आल्सो गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट हिस्ट्री। देखिए बच्चों, जो अंकिता हैं वो टीचर से पूछ रहे हैं कि डू द ओल्ड हाउसेस मैंसन्स यानी कि महल, टेम्पल्स मंदिर, क्वाइंस सिक्के एक्सेट्रा, ठीक है, आल्सो गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट हिस्ट्री, यानी कि क्या पुराने भवन, महल, मंदिर, है ना, और जो क्वाइंस है, ठीक है, ये सब भी हमें इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। द टीचर टोल्ड देम दैट ऑल दिस आर द फ्रूट ऑफ द हैपनिंग ऑफ दैट टाइम, ठीक है, यानी कि गुरुजी ने बताया, जो उनके टीचर्स हैं उन्होंने बताया कि ये सब अपने समय की घटनाओं के जीते जागते प्रूफ हैं, यानी कि प्रमाण होते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया, टीचर्स ने बताया कि सब अपने समय की घटनाओं के जीते जागते प्रमाण होते हैं, यानी कि वो जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि टेम्पल्स, मैंसन हुआ, हाउसेस हुआ, है ना, ये उस समय के क्या हैं, जीते जागते प्रमाण होते हैं, है ना, उससे हम लोग उसके बारे में जानकारी, उस काल के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ओल्ड हाउसेस आल्सो टेल अस अबाउट द आर्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ दैट टाइम, ठीक है, जो ओल्ड हाउस हैं यानी कि जो पुराने भवन होते हैं, है ना, वे हमको उस समय की भवन निर्माण कला की भी जानकारी देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इन द सेम मैनर ओल्ड क्वाइन टूल्स यूटेंसिल्स ऑर्नामेंट एक्सेट्रा आल्सो प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना, और वैसे ही जो पुराने समय के, है ना, जो सिक्के होते हैं, औजार होते हैं, बर्तन होते हैं, आभूषण होते हैं, ठीक है, और अन्य जो वस्तु होती हैं, उनसे भी हम समय के लोगों के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं, ठीक है, यानी कि जो पुराने समय के चीज़ें हैं, है ना, उनसे हम लोग उस ज़माने के लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।